नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले रेयरिंग टेक्निक्स, डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ रेयरिंग मेथड्स। इन रेयरिंग टेक्निक्स देयर आर 13 टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक इज प्रोक्योरमेंट ऑफ क्वालिटी सीड्स, सेकंड ब्रशिंग, थर्ड क्वालिटी ऑफ फूड, फोर्थ शेप एंड साइज ऑफ लूज, प्रिपरेशन ऑफ फीड बेड फॉर डिफरेंट रेयरिंग मेथड्स, नंबर ऑफ फीड्स, बेड क्लीनिंग, स्पेसिंग, माउंटिंग एंड हार्वेस्टिंग, एनवायरमेंटल कंडीशन एंड केयर ड्यूरिंग ककून स्पिनिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ ककून, सॉर्टिंग ऑफ ककून एंड लास्ट टॉपिक इज कंपोजिशन एंड यूज ऑफ सिल्क। इन दिस लेक्चर वी स्टडी फर्स्ट फोर टॉपिक्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ क्वालिटी सीड्स, ब्रशिंग, क्वालिटी ऑफ फूड एंड शेप एंड साइज ऑफ लूज। नेक्स्ट टॉपिक्स आर स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर्स। फर्स्ट टॉपिक इज प्रोक्योरमेंट ऑफ क्वालिटी सीड्स। द यूज ऑफ क्वालिटी सीड सिल्कवर्म एग्स इज इम्पॉर्टेंट स्टेप इन सक्सेसफुल सेरिकल्चर। अगर सेरिकल्चर स्टार्ट करना है तो आपको फर्स्ट क्या चाहिए, एग्स चाहिए। एग्स से ही सिल्कवर्म की लाइफ साइकिल शुरू होती है। हमें ये एग्स कहाँ मिलते हैं, ग्रेनेजेस पे मिलते हैं। ग्रेनेजेस क्या है, वो एक सेंटर है जहाँ हमें एग्स मिलते हैं और वो एग्स डिसीज फ्री होते हैं और उनको पेब्रिन डिसीज और अदर डिसीज के लिए भी चेक किया जाता है। वो एग्स प्योर और हाइब्रिड ये दोनों टाइप के मिलते हैं। ये है एग्स। दिस फोटो इज द एग सीट। हमें ग्रेनेजेस में इस तरह के एग सीट मिलते हैं। सेकंड स्टेप ब्रशिंग। ये जो एग्स है ये एक या दो दिन में, 1 और 2 डेज में हैच होते हैं और उनसे फर्स्ट इंस्टार लार्वा बाहर निकलते हैं। और वो जो लार्वा है उनको इस रेयरिंग ट्रे में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ये जो प्रोसेस है इसे हम ब्रशिंग बोलते। द सिल्कवर्म रियरिंग कमेंसेस विद द ब्रशिंग, ट्रांसफरिंग द न्यूली हैच लार्वी फ्रॉम द एग सीट कार्ड टू द रियरिंग बेड एंड जेंटली प्रोवाइडेड विद मलबेरी लीव्स। द ऑपरेशन इज कॉल्ड ब्रशिंग। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रशिंग। मतलब सिंपली ब्रशिंग क्या है, ट्रांसफ़र करना है। जो न्यूली हैच लार्वा है उसे ट्रांसफ़र करना है, कहाँ से, एक सीट से रेयरिंग बेड तक। ये सिंपल प्रोसेस है। और एक दो लार्वा बचे होंगे उस सीट पे, तो उसे स्मूथ ब्रश या फीदर्स के हेल्प मदद से हमें ट्रांसफ़र करना है रेयरिंग बेड तक। और ब्रशिंग का टाइमिंग क्या होना चाहिए, 10 AM और 11 AM। ये देखो, इसमें जो स्मॉल लार्वा है वो फीदर की हेल्प से रेयरिंग बेड तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। रेयरिंग बेड में क्या होता है, रेयरिंग बेड में फ्रेश ल्यूज होते हैं। जो ल्यूज इस लार्वा का फूड होते हैं। और सिल्कवर्म की लाइफ साइकिल में लार्वा एक ही ऐसी स्टेज है जिसमें वो फीड करता है, बाकी स्टेज में वो फीड नहीं करता। थर्ड टॉपिक क्वालिटी ऑफ फूड। फूड क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ क्वालिटी ऑफ फूड इज लेस द ग्रोथ रेट इज ऑल्सो लेस। द सिल्कवर्म ग्रोथ इज डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ फूड एंड द क्वालिटी ऑफ फूड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंस्टार ऑफ लार्वा। फॉर यंगर इंस्टार लार्वी
are to be given tender succulent leaves with high moisture. मतलब जो फर्स्ट इंस्टार लार्वा है जो एक से हैच हुए और सेकंड इंस्टार उनको टेंडर सकुलेंट लीव्स विथ हाई मॉइस्चर देना पड़ता है, और ओल्डर इंस्टार जो है उनको हमें मैच्योर बट सॉफ्ट लीव्स देने हैं वो विथ लेसर मॉइस्चर कंटेंट। ये याद रखो, फर्स्ट और सेकंड इंस्टार के लिए हमें हाई मॉइस्चर लीव्स देनी पड़ती है, और थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इंस्टार लार्वे के लिए हमें लेस मॉइस्चर के लीव्स देनी पड़ती है। सिल्कवर्म में टोटल 5 इंस्टार लार्वे होते हैं। शेप एंड साइज ऑफ लीव्स। मलबेरी लीव्स आर फेड टू द लार्वे इन अ चॉप्ड कंडीशन। ये चॉप कंडीशन, चॉपिंग क्या है ये हम अगले स्लाइड में देखने वाले हैं। चॉप लीव्स हैव सर्टेन एडवांटेजेस ओवर द एंटायर लीव्स। चॉप्ड लीव्स के क्या फायदे हैं वो हम देखने वाले हैं। चॉप लीव्स कैन बी स्प्रेड इवनली, मतलब वो एक तरह से और एक समान हम रियरिंग बेड पे अरेंज कर सकते हैं। दे प्रिवेंट सिल्कवर्म बेड्स फ्रॉम गेटिंग डैम्प इन वेट वेदर। इन वेट वेदर मतलब इन विंटर, ये डैम्प होने से बचाते हैं। दे डू नॉट कर्ल अप वेन वेदर इज ड्राई, और इन समर सीजन द वेदर इज ड्राई एंड दे द चॉप्ड लीव्स डू नॉट कर्ल अप डिसएडवांटेज भी है चॉपिंग का वो है, इसके लिए लेबर लगता है और खर्च आता है। शेप ऑफ द चॉप लूज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। स्क्वेयर पीसेस आर बेस्ट व्हेन एयर इज ड्राई बिकॉज दे प्रिवेंट रैपिड वेदर। स्क्वेयर पीसेस आर यूज व्हेन वेदर इज ड्राई। वेदर ड्राई कब होता है? समर सीजन में। मतलब स्क्वेयर पीसेस ऑफ लूज कब यूज करने? समर सीजन में यूज करने। लॉन्ग थिन स्ट्रिप्स और ओब्लॉन्ग पीसेस आर सुटेबल व्हेन सीजन इज वेट। वेट सीजन कब होता है? मानसून में या विंटर में। मतलब ये जो है लॉन्ग थिन स्ट्रिप्स और ओब्लॉन्ग पीसेस आर यूज्ड इन वेट सीजन। ट्रायंगुलर पीसेस टेक्स लेस लेबर एंड सो कैन गिवन टू ओल्डर इंस्टांस हु कंज्यूम लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लूज। ट्राइंगुलर पीस करने के लिए लेबर कम लगते हैं, इसलिए हम ये ओल्डर इंस्टार को देते हैं। और ओल्डर इंस्टार जो है वो खाना भी बहुत खाते हैं, उनको दिन में 3 या 4 बार लूज देने पड़ते हैं, इसलिए हम ट्राइंगुलर पीस यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ चॉपिंग। फॉर चॉपिंग लूज शुड बी स्प्रेड। ये जो चॉपिंग बोर्ड है उसके ऊपर लूज स्प्रेड करने हैं, और शार्प एज नाइफ विद द हेल्प ऑफ शार्प एज नाइफ द ब्रॉड ब्लेड द चॉपिंग शुड बी डन। ये जो लीव्स है उनको विद द हेल्प ऑफ नाइफ कट करना है, जैसे हमें लगता है वो स्क्वेयर पीसेस में या लॉन्ग स्ट्रिप्स और ट्रायंगुलर। हमें ये जिन लार्वा को खाने को देने हैं उस पर ये डिपेंड करता है। थैंक यू फ्रेंड्स। इन दिस लेक्चर वी स्टडी 4 टॉपिक्स। इन नेक्स्ट लेक्चर वी स्टडी नेक्स्ट 4 टॉपिक्स। दोज आर प्रिपरेशन ऑफ फीड बेड फॉर डिफरेंट रेयरिंग मेथड्स, नंबर ऑफ फीड्स, बेड क्लीनिंग एंड स्पेसिंग। सो धन्यवाद फ्रेंड्स। We stop here. We meet in next lecture. So thank you. Have a good day.